What's up everyone? Welcome back to the channel. तो हमारे सभी students मुझे लगातार बता रहे थे कि सर हमारे schools में half yearly start होने वाले हैं. हमारे schools में September में almost पूरे देश में half yearlies होते हैं. तो हम लोग almost 10th of August के आसपास पहुंचने वाले हैं और लगभग 10 सितंबर से 5 सितंबर से 2-4 सितंबर से सबके हाफ एडलीज होते हैं. तो क्या वो अप्रोच रखें हम क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी कि हमारे हाफ एडलीज में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाएँ. क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, वो सब आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप क्लास 11th में हो आपके लिए भी, क्लास 12th में हो आपके लिए भी. इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना, सबको दिखाना और पूरी मेहनत करनी है किस अप्रोच के साथ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. जाओ कॉपी पेन लेके आओ, शुरू करते हैं तैयारी हाफ एडलीज की. लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रह सकती है टू स्कोर मैक्सिमम इन हाफ एडलीज. देखो यहाँ पे ना हमारे पास दो प्रकार के बच्चे हैं जो हमारे चैनल पे पढ़ाई करते हैं. एक है क्लास 11th वाले और एक है हमारे क्लास 12th वाले. अब देखो बच्चों, क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या होता है, हाफ एडलीज और फाइनल्स दोनों के मार्क्स ऐड करके फिर मार्कशीट बनती है. जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि भैया ऐसा है, हमारे हाफ एडलीज तो अभी ऐसे ही हैं, मार्क्स वार्क्स तो ऐड नहीं होने, हमारे तो सीधा बोर्ड्स होंगे, तो हाफ एडलीज का हमें क्या ही करना है. मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि बच्चे अगर तुम 12th बोर्ड में, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 2014 में मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, 2025 दिस इज माई 11th बैच. हर साल हमारे बच्चे टॉपर्स बनते हैं, हर साल हमारे बच्चे पूरे 100 में से 100 100% स्कोर करते हैं हर सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट में. एक चीज़ मैंने हमेशा से कॉमन देखी है उन बच्चों में कि वो बच्चे हर एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लेते हैं. इट डजेंट मैटर कि आप 11th में हो, डजेंट मैटर कि आप 12th में हो, पेपर का मतलब पेपर, मार्क्स ऐड हो या ना हो, सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है, क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन. सर ये क्लैरिटी क्या है और डिसिप्लिन क्या है? बच्चों क्लैरिटी का मतलब मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ये समझो कि कोर्स क्या है जो आपका आने वाला है. आज बैठो एक डायरी निकालो, उसमें कोर्स लिखो कि आपके हाफ एडलीज में सिलेबस क्या आ रहा है और वो जो सिलेबस आप अपनी कॉपी में लिखोगे, मैं वही सिलेबस चाहता हूँ कि तुम कॉमेंट सेक्शन में भी कॉपी पेस्ट कर दो. बस मेंशन कर देना सर क्लास 11th और ये सिलेबस अकाउंट्स में, ये BST में, ये इको में, सर क्लास 12th और ये सिलेबस अकाउंट्स में, BST में, इको में, ताकि मैं भी उस हिसाब से आपको वीडियोस पुश कर पाऊँ. तो सबसे पहले क्लैरिटी लेके आओ कि कोर्स क्या आ रहा है, दूसरा डिसिप्लिन लेके आओ. डिसिप्लिन सर किस चीज़ का, अब पढ़ना है भाई, अब पढ़ना है, दिस इज द टाइम. अगर अभी नहीं पढ़े तो गड़बड़ हो जाएगी. मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरा अगर 50-60% सिलेबस हाफ एडलीज में आ रहा है तो मैं ये 50-60% में फोड़ने वाला हूँ भाई. इसे मैं इतने अच्छे से कर लूँगा कि मेरा इसके अंदर तो नंबर नहीं कटने वाला, और अगर कट भी गया तो वहाँ से मैं सीखूँगा अपनी गलती से. मैं हाफ एडलीज में फोड़ने वाला हूँ, मैं हाफ एडलीज को ऐसे नहीं जाने दूंगा. क्लैरिटी लेके आओ, डिसिप्लिन लेके आओ. दूसरी चीज़, मेकअप प्रॉपर टाइम टेबल. बच्चों हर बच्चे का अपना अपना रूटीन होता है, हर बच्चे का अपना घर का माहौल होता है, हर बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट अलग होता है, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ. मेरा बेस्ट सजेशन क्या रहेगा, स्टडी 2-3 सब्जेक्ट्स एवरी डे. एक दिन में आप सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, 2-3. जब मैं पढ़ता था, मैं कैसे पढ़ता था भैया, कि मैं अकाउंट्स तो डेली पढ़ रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे डेली पढ़ रहा हूँ. एक दिन क्या करता था, सपोज अकाउंट्स 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 सब जगह है, ठीक है, एक दिन BST जोड़ लिया, एक दिन इको जोड़ लिया, एक दिन BST जोड़ लिया, एक दिन इको जोड़ लिया, एक दिन BST जोड़ लिया, एक दिन इको जोड़ लिया. अगर आपके पास मैथ्स है तो आपको मैथ्स भी डेली ही पढ़ना पड़ेगा. अगर आपके पास मैथ्स है तो आपको मैथ्स भी डेली पढ़ना पड़ेगा. उसके साथ साथ
जो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट बचता है वो बचता है या तो फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर्स या इंग्लिश, जो भी आपका पांचवा सब्जेक्ट है वो आप वीकेंड्स पे भी आसानी से पढ़ सकते हो, उतना ही इनफ रहता है। तो अगर आपके पास मैथ्स है तो आपका रूटीन ये रहना चाहिए, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आपके रूटीन में बस मैथ्स हट जाएगा और दो ही सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, बस एक दिन अकाउंट्स बीएसटी, अकाउंट्स सीखो, अकाउंट्स बीएसटी, अकाउंट्स सीखो, अकाउंट्स बीएसटी, अकाउंट्स सीखो, सीधा सीधा चल जाएगा, ठीक है ना। और संडे को आप अपना इंग्लिश और कंप्यूटर और जो भी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। तो अपना टाइम टेबल बनाओ कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है, उसके साथ दो सेशंस फिक्स्ड चाहिए, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने बोला कि भैया मॉर्निंग का मेरा 6 से 7:30 का, गर्मी है, मैं फिक्स्ड सेशन फिक्स करता हूँ किस टाइम पढ़ूंगा, फिर मेरा स्कूल भी होता है। अगर आप स्कूल नहीं जाते या कम जाते हो तो आप इसको 8 से 10 कर सकते हो, 9 से 11 कर सकते हो, जो आपके लिए फेवरेबल हो। 1.5 से 2 घंटे का मॉर्निंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड फ्रेश होता है, एकदम दिमाग में चीज फिट होती है। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा इवनिंग में भी निकाल लो, यही ले लो 8 से 10 ले लो। ये सेल्फ स्टडी को देना है बेटा, ये सेल्फ स्टडी को देना है। तुमने अगर ये 3 से 4 घंटे निकाल लिए ना, एक सेशन मॉर्निंग का, एक सेशन इवनिंग का, सिर्फ अगले 1-2 महीने के लिए, जब तक आपके हाफ ईयरली चलेंगे, अगस्त सितंबर फिक्स कर दो कि इस टाइम पे कुछ नहीं करेंगे, घर पे बोल दो हमें इस टाइम डिस्टर्ब ना करो, इस टाइम हम सिर्फ पढ़ेंगे। अगर तुमने निकाल लिए मजा आ जाएगा भाई, क्योंकि सक्सेस एक ऐसी चीज है ना, नशा है भाई, सक्सेस का नशा जिसको हो गया ना वो फिर पीछे नहीं रह सकता। एक बार अच्छे नंबर तुम्हारे आने लगे ना, तुम लगेगा यार मजा आ गया, क्या इज्जत मिलती है, क्या रिस्पेक्ट मिलती है, सब लोग तारीफ करते हैं और तुम सब ला सकते हो। तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है, उसे निकालो, उसे जगाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, पूरा दिन फोन चला लेना यार हाफ इडली के बाद। अभी दिमाग में क्लियर टारगेट रखो, मेरा विजन है मुझे हाफ इडली में फोड़ना है, मैं फोड़ूंगा भाई, कुछ भी हो मैं अपना 100% डेडिकेट करके सिर्फ पढ़ाई करूंगा। तो क्लैरिटी ले आओ, टाइम टेबल बनाओ, दो सेशंस फिक्स कर दो जो मुझे पढ़ना है, ठीक है। चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अरेंज करो बच्चों। मैंने प्रॉपर यूट्यूब प्लेलिस्ट्स बनाई हैं, जो हमारा लेटेस्ट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिलेबस में कोई ऐसी चीज है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेटेस्ट प्लेलिस्ट में अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, तो प्रीवियस ईयर वाली प्लेलिस्ट उठा लो, कुछ चेंज नहीं है बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं है। प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट मैंने पूरी पूरी बनाई हुई है, चाहे वो अकाउंट्स हो 11th 12th, चाहे वो बीएसटी हो 11th 12th, चाहे वो माइक्रो इको हो, चाहे वो मैक्रो इको हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है बेटा, पूरा पूरा। इस साल भी पढ़ाऊंगा, पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। 100 डेज मास्टर क्लास 12th का चल रहा है, 100 डेज कॉमर्स प्रो 11th का चल रहा है, इसके बाद रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा, शानदार रिवीजन सीरीज। अपने सीनियर से पूछना, लास्ट ईयर GNG सीरीज आई थी रिवीजन की, 20 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कराया था, 20 डेज, और बच्चों ने डेडिकेट होके मेरे साथ पढ़ा था। उसके बाद क्या फोड़ा बोर्ड्स में, क्या फोड़ा 11th में। अगर तुम 12th में आया हो, तुमने भी 11th में मेरे साथ GNG करी है, जो नए 11th में उनको भी बता देना कि कितने काम की सीरीज होती है, तो हम वो भी लेके आएंगे। बट अभी हाफ ईयरली बहुत इंपॉर्टेंट है करने, तो आपके पास प्लेलिस्ट है, लेटेस्ट प्लेलिस्ट है, लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाओगे आपको मिल जाएगी, ठीक हो गया या नहीं हो गया। तो मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट, लेटेस्ट लिख के भी डाल दूंगा और प्रीवियस ईयर लिख के भी डाल दूंगा, तो आपके काम आएगी। तो रिसोर्सेज अरेंज करो, ठीक है, प्लेलिस्ट से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। सर क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, बुक्स से। अकाउंट्स के क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा देता हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, बीएसटी की केस स्टडीज, तो बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज रिवाइज करो, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज प्रैक्टिस करो, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, माइक्रो मैक्रो के आपकी बुक के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको देखो। क्योंकि क्या होता है इकोनॉमिक्स में खास करके, आप लोग सब समझ लोगे लेकिन वहां पे क्या क्वेश्चन आएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या आ गया। फिर तुम वो पेपर मेरे पास लेके आना, मैं तुम्हें बोलूंगा कि अरे बेटा ये तो ये था, तुम कहोगे ओह ये तो मुझे आता था। होता है या नहीं होता है ऐसा? इकोनॉमिक्स में बहुत होता है। तुमने पढ़ा, सवाल थोड़ा सा घुमाएंगे टीचर हमारे और हम उलझ गए,
तो सब पढ़ा हुआ है तुमने, लेकिन तुमने क्या कमी छोड़ी, तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे। तो जो तुम्हारी बुक्स हैं, जो भी बुक्स तुम फॉलो करते हो अपने स्कूल में, उसकी बैक में एक्सरसाइजेस दी हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई वाले, अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग दिए हुए, उसकी प्रैक्टिस करो। अदर देन दिस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। बच्चों, हमारे एग्जाम पैटर्न में एमसीक्यूज बहुत आते हैं, तो आपकी बुक के पीछे एमसीक्यूज दिए हुए, उठाओ डेली के हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट में से 30 MCQs का नियम बना लो कि मैं 30 MCQs रोज करने वाला हूँ। 30 MCQs अकाउंट्स के, 30 MCQs BST के, 30 MCQs ECO के। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, एक घंटे में हो जाएंगे सारे। तो एक घंटा फॉर MCQs रख सकते हो, क्योंकि MCQs आने वाले हैं तुम्हारे पेपर में 20 नंबर के, 25 नंबर के। तो अच्छे तरीके से MCQs प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो? तो ये पैटर्न तुम्हारा रहना चाहिए। तुम 11th में हो, 12th में हो, doesn't matter, every paper is important. हाफेडली में तो फोड़ना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, हाफेडलीज में फोड़ना है, समझे? तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ये हमारा तरीका होना चाहिए। क्वेश्चंस करने हैं, बुक्स में से केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, रिसोर्सेज पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके साथ साथ सेशंस फिक्स करो, रूटीन सेट करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। डिस्ट्रैक्शंस नहीं हटाओगे ना गड़बड़। डिस्ट्रैक्शन हटाओ अपने जीवन से, फिलहाल के लिए एक डेढ़ महीने के लिए हर चीज हटा दोगे। भैया मेरा टारगेट सिर्फ अच्छे नंबर लाना है, मेरा टारगेट सक्सेस को टेस्ट करना है, मुझे देखना है कि हाउ सक्सेस टेस्ट, मजा कैसा आता है, इज्जत कैसे मिलती है। तो फोड़ो यार, क्या बात है, तुम सब कर सकते हो, समझे? क्लैरिटी रखो, डिसिप्लिन रखो, किसी भी क्लास में हो फोड़ दो। इसके बाद जब तुम कॉमेंट सेक्शन में अपना सिलेबस बता दोगे ना मुझे, तो जो मेजॉरिटी सिलेबस आया होगा मेरे पास, जो मेजॉरिटी बच्चों ने बताया होगा कि ये सिलेबस है, एक दो दिन में मैं उसके हिसाब से एक टाइम टेबल भी लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, 11th वालों के लिए अलग, 12th वालों के लिए अलग, कि ये टाइम टेबल है, इसको फॉलो कर लो। उनके लिए जिनसे अपना टाइम टेबल नहीं बन रहा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमसे टाइम टेबल नहीं बन रहा, मैं बना के दूंगा, उसको फॉलो कर लेना। उस हिसाब से पढ़ोगे परफेक्शन के साथ, डेली का काम डेली करना, रिविजन्स करना, तुम फोड़ दोगे, तुम एग्जाम में फोड़ दोगे। तुम्हें डे वाइज टाइम टेबल बना के दूंगा, और गारंटी ले सकता हूं मैं तुम हाफ एडली में फोड़ के आओगे, और फिर हम फाइनल की तैयारी करेंगे, ठीक है? तो आज मुझे उम्मीद है काफी चीजें तुम्हें क्लियर हुई होंगी। मिलता हूं मैं आपको नई वीडियोस में, नए टाइम टेबल के साथ, जो तुम्हारे लिए बनेगा, लेकिन बना तब पाऊंगा जब तुम मुझे सिलेबस बताओगे। तो कॉमेंट्स में लिख देना, सारे भर देना, क्लास 11th ये सिलेबस, क्लास 12th ये सिलेबस, फिर फोड़ते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।